Hey, this is I am. और यहाँ है आर्यन चौधरी. आज हम जा रहे हैं आर्यन का हेयर कट करवाने. आइए देखते हैं फिर. आर्यन, से हाय. हाय हाय हाय. प्रॉपरली हाय करो. तो यहाँ पे छोटा सा काम आ गया है घर के लिए, जो कि घर बगल में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है. आर्यन चौधरी हर निकल के तैयार हैं. जिंगला नहीं आना है, बस कुछ समय में निकलते हैं. आर्यन चौधरी यहाँ जावा चलाते हुए पहली बार. चलो आगे बढ़ा. हाँ, एक आगे बाकी पीछे. हेलमेट सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आर्यन चौधरी ने हेलमेट लगा लिया है. हेलमेट लगाओ. हाँ, मोड़ो मोड़ो मोड़ो. आशीष चौधरी को हम लोग ने मजाक में पहले ही बुला लिया है. अब हम लोग निकल रहे हैं. बस वो उसके घर से बस दूरी होगा 2 से 4 मिनट का. हम लोग के घर से लगभग 10 मिनट का दूरी होगा, तो निकलते हैं. जल्दी बैठो. ये हम चले अब. मौसम काफ़ी प्यारा हुआ है, जैसा कि हम देख सकते हैं बादल है और बारिश है. ऐसा मौसम काफ़ी इंक्रेडिबल मौसम, ठंडा होता है गर्मी नहीं होती है. आर्यन का ये फाइनल लुक आ चुका है. साइड से दिखाओ, साइड से और दूसरे साइड बैक हो गया. बारिश बंद हो चुका है, धूप निकल चुका है और कीचड़ हो चुका है. आशीष चौधरी हमारे बगल में, आर्यन चौधरी बैक सीट. चलते हैं गर्मा गर्म धूप में. यहाँ पे निकलना है आगे, मनोज ढाबे पे रुकना है. अगर समोसा मिला तो ठीक है, वैसे मनोज ढाबे का समोसा बहुत अच्छा है, रिकमेंड करता हूँ. आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं समोसे के लिए. और यहाँ पे ओवर ब्रिज, ये गोरखनाथ ओवर ब्रिज है. यहाँ पे ओवर ब्रिज पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है लगता है. हाँ, आगे थोड़ा सा आगे है, तो यहाँ पे आराम से चलेंगे, धीरे धीरे, कोई तेजी नहीं है. ये कंस्ट्रक्शन के कुछ काम हो रहे हैं, अभी सामान बिखरे पड़े हैं यहाँ पे ब्रिज पे. स्मेल काफ़ी बेकार आ रहा है, चारकोल रोड का जैसे होता है रोड बनाते समय.
और हम यहाँ पे मनोज ढाबे पर पहुँच गए हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं खुला है या नहीं मनोज ढाबा, क्योंकि आज सैटरडे संडे है तो लॉकडाउन की वजह से बंद भी हो सकता है। और देख कर तो लगता नहीं है कि बंद है, लेकिन समोसा भी बिक ही रहा है, लेकिन मनोज ढाबे पे नहीं। मनोज ढाबे का मतलब जैसे कि दो दुकान है, एक उसके भाई का और एक मनोज ढाबा। जैसे कि देख सकते हैं मनोज ढाबा समोसे वाले का दुकान बंद है, तो हम चलते हैं उनके ऑफिशियल दुकान पे। ये मनोज ढाबे का है नया ऑफिशियल दुकान, ये आशीष चौधरी और ये आर्यन चौधरी। समोसा खाने के लिए दोनों तैयार ही हैं, जाइए समोसा लाइए दोनों। तो ये खजांची फातिमा रोड है, फिर से मौसम यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो चुका है। पहले अभी कुछ देर पहले धूप था, लेकिन अब फिर से बादल हो गया है और यहाँ पे थोड़ा सा बूंदाबांदी पड़ रहा है, और हमको जल्दी से जल्दी घर पहुँचना है। हम लोग फाइनली घर पहुँच चुके हैं आर्यन चौधरी अपना बाल देखते हुए। नहाओगे कब, जल्दी जाओ नहाओ। ये सुतक्कड़ को देखिए, सुतक्कड़ सी हियर।